अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस विद अली रजा। उम्मीद है आप सब लोग हैरो ऑफिस से होंगे। और जैसे कि आज की वीडियो का टॉपिक है नीदरलैंड सक्सेस स्टोरीज, और आज नीदरलैंड के ऊपर बात करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, सक्सेस स्टोरीज के मुतालिक बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हेलो गाइस, जैसे कि आज की वीडियो का टॉपिक है नीदरलैंड सक्सेस स्टोरीज के ऊपर, और नीदरलैंड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं उनके बारे में भी आज बात करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो स्टोरीज हैं नीदरलैंड की सक्सेस स्टोरीज, और ये वीजे जो हैं दो सबमिट किए थे 19 अगस्त में। और जैसे कि अगर आप अपना वीज़ा सबमिट करते हैं बीएफएस में तो वो आपको 45 डेज का टाइम देते हैं कि 45 डेज लग रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही देर से वो एक 1.5 साल हो गया तकरीबन, वो 45 डेज ही आपको बोलते हैं। बट नॉर्मल जो वीज़ा है, वीज़ा आपका 22 डेज के बाद 24 डेज के बाद अप्रूव होकर मैसेज आपको आ जाता है। फर्दर अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, नीदरलैंड आपको वीज़ा नहीं देता, तो जिनके वीज़ा उन्होंने नहीं देने होते वो भी 36 डेज के बाद 40 डेज के बाद आपको मैसेज आता है। बट इनका 26 डेज में इनको पासपोर्ट भी मिल गया, इनको मैसेज भी आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह इनके वीज़े भी लग गए हैं। और अगर आप लोग भी ऐसे ही वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। अगर खुद भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो कि आपको VFS की वेबसाइट पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपने अपना एमरेट्स आईडी, अपना वीज़ा कॉपी, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, अपने प्रीवियस यूएई के वीज़े, अपना एयर टिकट रिजर्वेशन कवर लेटर, डे टू डे प्लान, अपना होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, अपना एनओसी लेटर, अपना 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, कंपनी ट्रेड लाइसेंस और जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब आपने अपने साथ VFS में लेकर जाने हैं और साथ दो फोटो। और वहाँ पर आपका वीज़ा सबमिट होगा, आपकी फ़ोटो लाइव भी होगी आपकी वहाँ पर बायोमेट्रिक के टाइम पर, ठीक है। और उसके बाद ये इसका नॉर्मल सा प्रोसीजर है। और वीज़ा रेशो भी शेंजन में नीदरलैंड्स की बहुत अच्छी है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूर मैं आपको मशवरा दूंगा आप नीदरलैंड में अप्लाई करें। ये थी आज की वीडियो नीदरलैंड सक्सेस स्टोरीज, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करने में। और अगर आप लोग मुझसे भी प्रोसेस करवाना चाहते हैं शेंजन वीज़ा, यूके, आयरलैंड, कोई भी कंट्री का, या कोई भी आपकी इंक्वायरी है, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इन फ्यूचर ऐसे ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।